के हवाले हो गया बहते बहते वो एक किनारे में मौजूद एक पत्थर के साथ अटक कर रुक गया कुछ देर बाद जब उसकी आंख खोली तो उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सा गाँव है जैसे ही उसने नीचे देखा तो वो ये देख हैरान हो गया कि उस गाँव में सब छोटे छोटे लोग थे जानवर भी छोटे छोटे थे उस गांव के सरदार बोले अरे बड़े आदमी कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हारा बुरा हशर कर देंगे चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ कासम हंसने लगा क्या कहा तुमने? तुम छोटे छोटे लोग मेरा क्या बिगाड़ोगे बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो सरदार ने अपने लोगों को हुक्म दिया और लोगों ने कासम पर नशे वाले तीर फेंकना शुरू कर दिए जैसे ही कासम को तीर लगा वो नीचे गिर गया सभी गांव वालों ने एक बड़ी सी गाड़ी पर उसे रखा और कैदी बनाकर ले गए कुछ देर बाद जब कसम की आंख खोली तो उसने अपने आप को रस्सियों में जकड़ा हुआ पाया उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो उठ ना सका अरे गांव वालों तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है मुझे खोल दो ऐसे कैसे हम तुम्हें आज़ाद कर दें तुम हमें और हमारे इस खूबसूरत गांव को नुकसान पहुंचाओगे। नहीं सरदार जी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको या आपके इस खूबसूरत गांव को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा सरदार ने कहा कि एक शर्त पे हम तुम्हें आज़ाद करेंगे अगर तुम हमारा एक काम करोगे तो कासम ने कहा कि मुझे मंजूर है सरदार के हुक्म पर कासम को खोल दिया गया और कासम उठकर खड़ा हो गया हमारे गांव में एक जिन आता है सरदार ने कहा तुम्हारी तरह वो बहुत बड़ा है उस पर हमारे जहरीले तीर भी असर नहीं करते वो हमें बहुत तंग करता है हम नहीं जानते बड़े आदमी बस तुम उससे मुकाबला करोगे और हमारी जान इससे छुड़वाओगे क्या कहा जिन आता है तुम लोगों ने मुझे क्या समझ लिया है एक जिन के साथ मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ वो तो बहुत बड़ा ताकतवर होगा सरदार ने कहा जैसे मर्ज़ी करो बस तुम उसके साथ मुकाबला करोगे और हमें उससे बचाओगे इतने में वो जिन भी वहाँ पे आ गया जिन कासम को देखकर हैरान हो गया अरे ये क्या मेरे जितना ही एक बड़ा आदमी ये कहाँ से आ गया कासम बोला अरे जिन तुम क्यों गांव वालों को परेशान करते हो इस दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए जैसे चिकन बिरयानी कीमा पिज़्ज़ा बर्गर तुम वो सब क्यों नहीं खाते इन गांव वालों को क्यों खाते हो क्या कहा तुमने अभी क्या बोला क्या खाने की चीज़ें हैं जल्दी बताओ कासम ने कहा कि बिरयानी चलो आओ आज मैं तुम्हें बिरयानी खिलाता हूँ और तुम फिर मुझसे वादा करोगे कि आइंदा कभी इन गांव वालों को परेशान नहीं करोगे ये तो तुम्हारी वो चीज़ खा कर ही पता चलेगा जिन ने कहा तो कासम ने गांव वालों की मदद से एक बहुत बढ़िया सी बिरयानी बनाई और वो लेकर जिन को दी जिस पर वो सारी ही प्लेटें खा गया और बहुत ही मज़े से खा गया और खुश भी बहुत होकर बोला वाह मज़ा आ गया अच्छी लगी ना बिरयानी कासम ने कहा अब आइंदा तुम यही खाया करना और गांव वालों को तंग ना करना जिन ने उसकी बात मान ली बस फिर कासम ने कुछ दिनों तक अपने लिए कश्ती तैयार की और वापस अपने घर चला गया देखा बच्चों ने कैसे अकलमंदी से से एक गांव वालों की जान छुड़ा दी थी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए शुक्रिया हसाम कर रहे थे वो कहने लगे कि हमें गडरिए की मदद करनी चाहिए लगता है गडरिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है गडरिया मुसलसल चिल्लाता रहा शेर आ गया शेर आ गया भागो भागो जब लोग वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे कोई शेर नहीं था लोग बहुत मायूस होते हैं गडरिए ने उनसे झूठ बोला गडरिया हंस रहा था कहता मैं तो मज़ाक कर रहा था गाँव वाले उल्टे पांव वापस चले गए और अपने अपने कामों में लग गए अगले दिन सुबह गडरिया दोबारा बकरियां चराने जाता है और उसके दिमाग में वही शरारत दोबारा आ जाती है और वो फिर से शोर करने लगता है शेर आ गया शेर आ गया हमें बचाओ शेर आ गया लोग भागे भागे आए जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि गडरिया हंस रहा है और कहता है मैंने तो मज़ाक किया है गांव वाले ये सुनकर बहुत मायूस होते हैं वापस जाकर अपने कामों में फिर लग जाते हैं और फिर अगले दिन भी वैसा ही होता है गडरिया शोर मचाता है कि शेर आ गया शेर आ गया लेकिन इसकी मदद को गांव वाले दोबारा आते हैं और गडरिया बैठा हंस रहा होता है लोग कहते हैं कि गडरिया बेटा तुमने बहुत बुरा किया तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था गडरिया इनकी बात सुनकर हंसने लगता है गांव वाले दोबारा अपने अपने कामों पर वापस चले जाते हैं इतने में वहां असली में शेर आ जाता है और फिर शेर सारी बकरियों पे हमला कर देता है गडरिया ये देख बहुत परेशान होता है लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता शेर एक एक करके सारी बकरियों और भेड़ों को खा जाता है गडरिया फिर से शोर करने लगता है और कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता लोग समझते हैं दोबारा से ही झूठ बोल रहा है इतने में शेर सारी बकरियां खा जाता है वो शोर मचाता रहता है अरे बचाओ इस दफा वाकई शेर आ गया शेर बकरियां खाने के बाद वहाँ से चला जाता है भटिया बहुत परेशान होता है और ख़ुद पे ही मलामत करता है कि काश उसने ऐसा झूठ ना बोला होता तो आज उसकी बकरियाँ और भेड़ें बच जाती झूठ बोलने का वजह से सारा काम खराब हो गया झूठ बोलना हराम है देखा बच्चों कितनी बड़ी सज़ा मिली थी गडेरिए को झूठ बोलने की वजह से इसलिए बच्चों हमें झूठ से बचना चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए शुक्रिया वालेकुम बच्चों आज मैं आपको नाफरमानी की सज़ा कहानी सुनाऊंगी एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में चार छोटे छोटे खरगोश रहा करते थे जिनके नाम फलासी मलासी कलाती और पलासी था वो चारों अपनी मां के साथ एक बड़े दरख्त के खो में रहते थे पलासी इन सब में छोटा और शरारती खरगोश था वो अक्सर अपनी मां की नसीहत पर कान न धरता था तीनों खरगोशों ने सुर्ख रंग की कमीज पहन रखी थी जबकि पलासी ने नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी जिस पर चमकीले बटन दूर से ही दिखाई देते थे उनके घर के करीब ही एक बड़ा खेत था जिसका मालिक जिब्बार नामी एक शख्स था ये खरगोशों से बड़ा नाराज़ रहता और उन्हें वहाँ से भगाने के जतन करता रहता एक शाम चारों नन्हे खरगोशों बाहर खेलने की जिद की तो उनकी माँ ने उन्हें बाहर खेलने की इजाज़त तो दे दी मगर साथ ही सख्ती से ताकीद की कि वो भूल कर भी जब्बार के खेत में ना जाए वरना वो उन्हें पकड़ लेगा सब ने वादा किया कि वो जब्बार के खेत से दूर ही खेलेंगे वहाँ की इजाज़त पाते ही फलासी मलासी और कलाती ने अपनी अपनी टोकरियाँ ली और बेरों की तलाश में निकल पड़े ये तीनों भाई बड़े ही शरीफ और अच्छे बच्चे थे वो अपनी माँ की बात बड़े ही ध्यान से सुनते और इस पर अमल करते वो कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे उन्हें मना किया गया हो जबकि पलासी इनसे मुख्तलफ था वो किस कदर शरारती और शोक तबीयत का मालिक था वो चारों हंसते और कहके लगाते हुए वादी में नीचे उतरे वहाँ एक तरफ बेरों का बाग था और दूसरी तरफ बाढ़ के पीछे जब का खेत वो जब खेत के करीब पहुंचे तो उन्हें वहाँ सुर्ख मूलियों और गाजरों की महक आई सब के में पानी भराया दिल तो ये चाहता था कि खेत में दाखिल होकर खूब मूलियों और गाजरें निकाली जाएं, मगर जब बार के खौफ से वो कसमसा कर रह गए पलासी ने तीनों का लटका हुआ चेहरा देखा तो वो उनका मजाक उड़ाने लगा जब पलासी ने उन्हें बताया कि वो खेत में जाकर मूलियाँ और गाजरे लाएगा तो फलासी मलासी और कलाती के दिल दहल गए उन्होंने मां से किया हुआ वादा याद दिलाया मगर पलासी ने कोई परवाह न की और तेजी से खेती के खेत के बाड़ के, के नीचे से से अंदर दाखिल हो गया वो चलते हुए कुछ दूर तो वहां उसे मटर का खेत मिला छोटे में लगा हुआ था पलासी ने मटर के दाने निकाले और चबाए उनका जैका फसफा था उसने मटर के खेत से निकलकर दूसरे खेत का जायजा लिया वहां एक तरफ मूलियों के पौधे दिखाई दिए और दूसरी तरफ गाजरों के पौधे लगे हुए थे पलासी ने इधर उधर जायजा लिया और वहां किसी को ना पाकर वो खेतों में घुसा और मूलिया और उखेड़ कर खाने लगा। जबकि और बड़ी मीठी और मजेदार थी करीबी पलासी को एक अजीब पौधे का खेत दिखाई दिया उसने पास जाकर जायजा लिया तो वो पौधा उसके समझ से बाहर था अलबत् जब उसने उसका फल तोड़कर चखा तो उसे मालूम हुआ कि वो प्याज का पौधा है जिसका जायका कड़वा सा था थोड़े फासले पर उसे जब्बार दिखाई दिया वो गोभी के खेत में गुड्डों के बल बैठा कुछ कर रहा था पलासी जब्बार को देख कर घबरा सा गया उसने जल्दी से वापस लौटने के लिए दौड़ लगा दी पौधों में हरकत पर जब्बार चौंक पड़ा उसने जब गौर से देखा तो उसे नन्ना पलासी दिखाई दिया जो पौधों के दरम्यान भाग रहा था जब्बार ने जल्दी से छलांग लगाई और जमीन खोदने वाला खुरपा पकड़ा और पलासी के पीछे लपका पड़ा प्लासी अपनी तरफ से बहुत तेज भाग रहा था जबकि जब बार बड़े बड़े तक भरता हुआ उसके सर पर आ पहुंचा वो चीख रहा था रुक जाओ नन्हे चोर आज तो मेरे हाथों बच नहीं सकते प्लासी हड़बड़ाहट में भूल गया कि वो बाहर निकलने वाले दरवाजे के बजाय मुखालफ सिमत की तरफ दौड़ रहा है इसी तरह वो जब बार के घर से बाहर नहीं निकल सकता था अचानक प्लासी की नज़र बार पर पड़ी और उसे उखड़ी हुई दिख उखड़ी हुई थी और उसमें थोड़ा सा रास्ता जो प्लास्टिक को बाहर निकलने में मदद दे सकता था इसी हड़बड़ाहट के दौरान गोभी और आलमों के खेत में प्लास्टिक के पाँव में से एक जूता निकल कर खेत में जा गिरा जूता उठाने का वक्त नहीं था अगर प्लास्टिक जूते के चक्कर में पड़ता तो यकी जब बाहर उसे पकड़ लेता प्लास्टिक ने जूते का ख्याल छोड़ कर जान बजाने की कोशिश की वो तेज़ी से टूटी हुई बाढ़ के सुराख में दाखिल हो गया बाढ़ खारदार तार की थी जिसमें उसकी प्यारी कमीज का बल्लू फंस गया प्लासी को झटका लगा और वो कलाबाजी खाकर गिर पड़ा बाढ़ के दूसरे हिस्से में कमीज का बटन उलझ गया प्लासी बुरी तरह फंस गया था उसने गर्दन घुमाकर देखा तो जब बाढ़ दिखाई दिया जो भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था प्लासी के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो बाढ़ में फंसी हुई कमीज को उतार कर अपनी जान बचाए उसने मजबूरन कमीज में से बाजू निकाले और कमीज और जूते गवा बाहर की तरफ दौड़ लगा दी नन्हे प्लासी को यह मालूम न था कि इस बाढ़ के पीछे बाहर का रास्ता नहीं बल्कि जब का अपना घर था प्लासी को जब रास्ता दिखाई ना दिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वह जब बार के जंगल में फंस चुका था उसे अपनी मां की नसीहत याद आने लगी मगर अब क्या हो सकता था कमीज और जूतों से तो वह हाथ धो बैठा था प्लासी ने जान बचाने की कोशिश की और सामने दिखाई देने वाले बड़े कमरे में जा घुसा वो जबार का गोदाम था जहाँ खेतों में इस्तेमाल होने वाले औजार पड़े हुए थे प्लास्टिक को एक तरफ पानी का बर्तन दिखाई दिया जो खासा गहरा दिखाई देता था प्लास्टिक तेजी से इस तरफ लपका उसने बर्तन में झोंक कर देखा तो उसमें थोड़ा सा पानी दिखाई दिया प्लासी ने इधर उधर निगाह दौड़ाई मगर वहाँ छुपने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं थी मजबूरन प्लासी आने वाले बर्तन में घुस गया वजन पड़ने पर पानी ऊपर आ गया और प्लासी का सारा बदन भीग गया पानी बड़ा ठंडा था सर्दी के मारे प्लासी के दात बचने लगे इसी दौरान जब्बार गोदाम में दाखिल हो गया वो बड़बड़ा रहा था ये खरगोश आज तो मेरे हाथ से नहीं बच सकता आज मैं तुझे मार कर ही दम लूंगा प्लासी यह सुनकर डर गया तो एक तो ठंड ने उसका बुरा हाल किया हुआ था दूसरा खौफ के मारे उसका बदन काँप रहा था जब्बार को पूरा यकीन था कि नन्ना खरगोश गोदाम में छुपा हुआ उसने बड़ी एहतियात से चीज़ों में उसे तलाश कर रहा था उसने खाली गमलों को उठाकर देखा अचानक उसकी नज़र पानी के बर्तन पर पड़ी तो वहाँ प्लासी के कान दिखाई दिए हाँ तो यहाँ छुपा बैठा है जवार चहक कर बोला प्लासी ने गर्दन उठाकर बाहर देखा तो जवार उसकी तरफ बढ़ रहा था प्लासी परेशान हो गया उसने हिम्मत करके पानी के बर्तन में बाहर छलांग लगा दी और एक तरफ लपका जब ने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर प्लासी उसे जिगारी देकर खिड़की के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो गया जब ने नाकाम होकर गुस्से से अपनी लात घुमाई प्लासी इसकी जोरदार टक्कर से बच ना सका और बुरी तरह लटखड़ा लड़खड़ाता हुआ बाहर जा गिरा खिड़की में पड़े हुए गमलों के फूलों के गमले भी इसके साथ ही गिर पड़े गमले जमीन पर गिरते ही टूट फूट गए इसमें इस हिम्मत नहीं थी कि वो मजीद भाग सके मगर जब बार उसके पीछे था उसने जान बचाने की कोशिश की कि मैं एक मरतबा फिर दौड़ लगा दी मगर अब उसकी रफ्तार तेज नहीं थी इस मरतबा वो बाहर की तरफ भाग रहा था जहां सदर दरवाजा था वो कुछ ही देर में सदर दरवाजे पर पहुंच गया मगर वहां दरवाजा बंद देकर उसकी जान ही निकल गई दरवाजा अंदर से लॉक था चाबी दिखाई तो दे नहीं रही थी मगर वो उसकी दिखाई दे रही थी मगर उसकी कामत से बहुत ऊंचाई पर प्लासी ने उछल ताला खोलने की कोशिश की मगर वो न कामयाब ना हो सका इसी दौरान वहाँ एक चूया आ गई प्लासी ने उसे देखा तो बाहर निकलने के लिए रास्ता दरियाफ्त किया चूहिया ने उसे परेशान देकर कहका लगाया और कहने लगी नन्हे खरगोश मैं इस वक्त तक कुछ नहीं बताऊंगी जब तक तुम मुझे खाने के लिए एक बड़ा मटर का दाना नहीं दोगे प्लासी के पास मटर का दाना नहीं था वो तो अपने जूते और कमीज़ को बैठा था प्लासी चूहिया की मिन्नत समाज करने लगा मगर उसने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया प्लासी बुरी तरह फंस चुका था वो ना तो बाहर जा सकता था और ना ही जब बार के मकान में सलामत रह सकता इस दौरान जब बार के गदमों की चाप सुनाई दी प्लासी रोने लगा जो या उसे रोता छोड़ कर लौट गई प्लासी ने सोचा कि रोने से काम नहीं बनेगा इससे रास्ता तलाश करना होगा वो गेट से वापस मुड़ा और रहा ऐसा चलता हुआ खेतों के दरम्यान से होता हुआ मछलियों के तालाब पर पहुंचा वहाँ एक सफेद बिल्ली दिखाई दी जो तालाब की मछलियों को ललचाई हुई नजरों से देख रही थी बिल्ली को देखकर पलासी प्लासी घबरा गया वो नजर बचाकर वहां से उल्टे कदमों वापस लौटा वो गोभी के खेत में पहुंच गया उसे नजर आया ख्याल आया किसी बड़े पौधे पर चढ़कर देखना चाहिए वो गोभी के पौधे पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा अचानक उसका चेहरा मुसर से धमक उठा करीब के उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा से रास्ते से वो जब्बार के खेतों में दाखिल हुआ था अभी वो खुशी से झूम रहा था कि उसे करीब से पकड़ो पकड़ो की आवाज सुनाई दी उसने गर्दन घुमा कर देखा तो जबार उसके सर पर पहुंच चुका था प्लासी ने जिस्त लगाई और जबार के हाथों में निकल गया अगर वो एक लम्हा देर करता तो जबार ने उसे दबोच लिया था प्लासी ने तेज रफ्तारी से भागता हुआ बाहर निकलते हुए रास्ते की तरफ लपका जबार समझ चुका था कि खरगोश अगर वहां पहुंच गया तो वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसने पूरी उसके पीछे दौड़ लगा दी प्लासी की किस्मत अच्छी थी कि दोनों के दरम्यान फासला तय हो चुका था इसलिए प्लासी लकड़ी की बाढ़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया बाढ़ के नीचे से गुजर कर प्लासी दूसरी तरफ बाहर निकल आया उसे अभी तक जवार के चीखने जलाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी कुछ देर बेरों के बाग में से उसे अपने तीनों भाई दिखाई दिए वो उनकी तरफ चला आया उन्होंने जब प्लासी की बुरी हालत देखी तो वो घबरा गए उस अपने साथ घर ले आए जब उनकी माँ को मालूम हुआ तो प्लासी जवार के खेत में गया था और वहाँ उसके जूते और कमीज़ खो गई तो वो बहुत नाराज़ हुई प्लासी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और आइंदा कहना माने का वादा किया लासी की माँ ने उसे माफ़ कर दिया और फिर भाइयों की जमा किए हुए बैरों में से उसे हिस्सा भी दिया वो मिलजुल कर बैरों का मज़ा लूटने लगे इधर हरमंद कारीगर भी वो दीवारें कश्तियाँ और घर पेंट करता और अपना काम पूरी ईमानदारी और वफ़ादारी से करता अहमद मुझे अपना जंगला पेंट करवाना है और ये काम जल्दी होना चाहिए वरना इसमें जंग लग जाएगा ठीक है मैं अभी शुरू कर देता हूँ पर एक मसला है मैं तुम्हें दो तांबे की मोहरों के सिवा ज़्यादा नहीं दे सकती मुझे इल्म है ये कम है पर मेरे पास तो बस इतना ही है अगर जंगले में जंग लग जाता है तो मुझे इसके लिए ज़्यादा पैसा देने पड़ेंगे मैं आपकी परेशानी समझता हूँ मोहतरमा पर पेंट करना मेरा फ़र्ज़ है काम से कभी इनकार नहीं करना चाहिए अहमद एक मुफलस इंसान था कई रातें ऐसी गुजरती जब वो भूखा सो जाता था पर चाहे जो भी हो जाए वो कभी अपने गाहकों से ज़्यादा नहीं मांगता था वो सारा दिन कड़ी मशक्क़त करता और इसी में ही मुतमिन रहता जो उसे मिल जाता एक रोज़ एक बहुत ही दौलतमंद ताजर वहाँ आया उस दिन और उसके घर वालों ने कुछ दिन गांव में रहने का मंसूबा बनाया वो ताजर गांव में दाखिल हुआ एक बहुत बड़ी गाड़ी में सवार होकर और उसके पीछे कई और गाड़ियाँ आईं जो फलों से और कपड़ों से लदी हुई थी गांव वाले हैरत ज़दा खड़े थे वो खड़े देखते ही रहे जब पूरा काफिला उनके सामने से गुजरा अगले ही दिन ताजर ने अहमद को तलब किया जब अहमद ताजर के घर दाखिल होने को था तो उसका दोस्त हामिद मिला अरे अहमद तुम कहाँ जा रहे हो कैसे हो हामिद मैं तजारत कार के पास जा रहा हूँ जो इस गांव में कल ही आया है इसके पास मेरे लिए कोई काम है अच्छा ऐसा है क्या सुनो वो बहुत रईस शख्स है ये एक अच्छा मौका है तुम्हें तो इससे ज़्यादा पैसे लेने चाहिए इसकी नस्बत जो तुम दूसरों से लेते हो नहीं हामिद ये मुनासिब नहीं है मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा जो मैं दूसरों से लेता हूँ पर यह फरेब होगा अगर वो मेरा काम पसंद करे तो फिर वो मुझे ज़्यादा देने का फ़ैसला कर सकता है पर मुझे ईमानदार रहना होगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अहमद तुम्हारी ईमानदारी की इज़्ज़त करता हूँ तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था अहमद मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है पर हामिद मेरा अच्छा गुजारा चल रहा है शुक्रिया तुमने मेरे बारे में सोचा अच्छा अब मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे जब अहमद ताजर के घर के अंदर पहुँचा तो वह सक्ते में रह गया वो किसी महल से कम नहीं था ओ आदाब तुम ज़रूर अहमद हो वो पेंटर हाँ मैं वही हूँ आपके पास मेरे लिए कुछ काम था हूँ हाँ मेरी कश्ती का रखवाला बाहर गया हुआ है वो कल तक वापस आएगा पर मुझे जल्दी ही कश्ती को पेंट करवाने की ज़रूरत है क्या आज रात भर तुम उसे पेंट कर सकोगे हाँ मैं कर सकता हूँ कश्ती कहाँ है मैं अभी से अपना काम शुरू कर देता हूँ पर तुमने बताया नहीं कि तुम कितनी उजरत लोगे मैं कश्ती पेंट करने के चार तांबे के सिक्के लेता हूँ मैं इससे कम नहीं लूँगा तांबे के चार सिक्के बस इतना खैर जो तुम लेते हो मैं इससे कम नहीं दूंगा तुम इसी वक्त अपने चार तांबे के सिक्के ले सकते हो कश्ती दरिया के साहिल पर है मुझे बुला लेना जब पेंट हो जाए अहमद ने पैसे ले लिए और वो बाज़ार गया पेंट ख़रीदा और एक भी मिनट ज़ाया किए बग़ैर वो अपना काम शुरू करना चाहता था जब वो काम शुरू करने वाला था तो उसने देखा कि कश्ती के दरमियान में एक बड़ा सुराख है उसने सोचा ये तो बहुत ही ख़तरनाक है पहले इस सुराख को भर लेता हूँ फिर वो पेंट करने लगा वो घंटों बिना कुछ खाए पी ये पेंट करता रहा आखिर उसने सारी कश्ती पेंट कर ली उसने ताजर को कश्ती देखने के लिए बुलाया तो वो बहुत ही खुश हुआ वो शानदार बहुत अच्छी है नज़र आ रही है तुमने अच्छा काम किया है अगर मेरे पास कोई और काम हुआ तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हें फ़ौर बुलाऊँगा अगले सुबह ताजर का ख़ानदान इस कश्ती में बैठ कर सैर के लिए निकल गया ताजर ने उन्हें साहिल से हाथ हिलाकर अलविदा किया और वापस घर आ गया जब वो घर पहुँचा तो उसने देखा कि कश्ती का रखवाला उसकी तरफ आ रहा है हजूर आप एक हफ्ता पहले ही तशरीफ़ ले आए हैं ताजर मेरे ख़ानदान ने ज़ोर दिया कि मैं उनको गाऊँ दिखाऊँ तो वो अभी अभी कश्ती में अपनी पहली तफरी के लिए गए हैं क्या वो कैसे जा सकते हैं उनको रोकना होगा ताजर ऐसे क्यों बोल रहे हो कश्ती का रखवाला कश्ती में एक बहुत बड़ा सुराख था जो आज मैंने ठीक करना था वो सब डूब जाएंगे वो दरिया के किनारे गए मालिकन आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं कश्ती के रखवाला बोल रहा था ताजर रोने लगा और घुटनों के बल बैठ गया मैंने अपना सारा ख़ानदान खो दिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगा अब मैं कश इतने में कश्ती वापस आ गई ताजर की बीवी ने पूछा क्या हुआ ताजर इनको देखकर खुश हो गया और सुराख के बारे में बताया कश्ती का मल्ह बोला कि कश्ती तो बिल्कुल ठीक है इसमें तो कोई सुराख नहीं है रखवाला ये कैसे हो सकता है इसमें तो सुराख था ताजर मुझे समझ आ गई है अगले दिन उसने अहमद को बुलाया और उसे इनाम दिया सोने के सो मोहरे दी अहमद हैरान हुआ इनाम किस बात का तुमने कश्ती का सुराख ठीक किया था पर इतनी सी बात पर इतना बड़ा इनाम ताजर ये इतनी सी बात नहीं है मेरा ख़ानदान तुम्हारी वजह से ज़िंदा बच गया है अहमद बहुत खुश हुआ इतनी मोहरे पाकर वो छोटे मोटे काम करता रहता था पर अब वो बहुत अमीर हो गया था और अब वो कभी भी भूखा नहीं सोया उसे उसकी ईमानदारी का भक्न को प्रेस कीजिए शुक्रिया असलाकुम प्यारे बच्चों आज हमारी कहानी का मौजू है हमदर्दी का सिला एक दफ़ा का ज़िक्र है एक जंगल में खरगोश रहता था उसके नेक दिल की चर्चे दूसरे जंगलों में भी थे उसने जंगल में हर किसी के साथ हमदर्दी करके दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना रखा था एक दिन वो अपने मखसूस अंदाज में टहलता हुआ जा रहा था कि उसने एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी वो फौरन रुक गया आवाज़ से वो कोई छोटा इंसानी बच्चा मालूम होता था वो दौड़ता हुआ आवाज़ की समत बढ़ा जब वो आवाज़ के करीब पहुंचा, तो एक बहुत ही अजीब मंज़र उसका इंतज़ार कर रहा था छः से आठ साल का एक इंसानी बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और नीचे एक खून ख़ार चीता बेचैनी से टहल रहा था कि जंगल में इंतखात हो रहे हैं चीते ने हैरत से आंखें फैलाईं और एक खूनी नज़र लटके हुए बच्चे पर डाली और भागता हुआ नज़रों से ओझल हो गया वो मासूम सा बच्चा दरख्त से नीचे उतरा और ख़रगोश का शुक्रिया अदा करने लगा आप तो बहुत अच्छे जानवर हैं अबू तो कहते हैं जंगल में सिर्फ़ बुरे ख़तरनाक और जंगली जानवर होते हैं अरे नहीं भाई अच्छे बुरे तो सब जगह होते हैं जैसे इंसानों में जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं ताकि बुराई को मिटा सकें इसी तरह जंगल में भी ऐसा ही होता है बहुत बहुत शुक्रिया खरगोश भैया मैं आपके बारे में अपने अबू को ज़रूर बताऊंगा। अगले दिन खरगोश अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था अचानक दरख्तों के पीछे से वही चीता घुराता होगा नमोदार होगा जिससे इंसानी बच्चे को खरगोश ने बचाया था खरगोश वैसे तो बहुत ही फुर्तीला जानवर था लेकिन अपने बच्चों के साथ वो बेबस था वो भाग नहीं सकता था पीछे नदी थी और आगे खूनखार चीता था कल तुमने मुझे इंसानी बच्चे की वजह से धोखा दिया था आज मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। चीता वाता हुआ आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक धमाके की आवाज़ आई और एक गोली हवा को चिरती हुई सीधा चीते के सीने में लगी खरगोश ने देखा एक आदमी अपने हाथ में एक बंदूक लिए खड़ा था और साथ वही बच्चा खड़ा हाथ हिला रहा था वो दोनों खरगोश के पास आए और उस बच्चे ने ख़ुशी ख़ुशी खरगोश को बताया खरगोश भैया कैसे हैं आप हम यहाँ से शिकार करने के लिए गुज़र रहे थे कि अचानक हमारी नज़र इस चीते पर पड़ी जो आपकी तरफ़ बढ़ रहा था मैंने अबू को बताया कि कल आपने मेरी जान बचाई थी इस चीते से अबू ने कहा हमें भी इसकी जान बचानी चाहिए खरगोश ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और ख़ुशी ख़ुशी अपने घर की तरफ़ चला गया देखो बच्चों जब हम किसी के साथ भला करते हैं तो हमारे साथ भी भला ही होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए शुक्रिया